हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो यहाँ दोपहर का टाइम है, खाना पीना सब हो चुका है और आज मुझे बनानी है मठरी। और मैंने कहा था ना मैं कल मठरी बनाऊंगी, मगर कल मैं नहीं बना पाई, सिर्फ खस्ता और वो काजू वाली मठरी ही बना पाई थी। फिर वही टाइम हो गया था खाने पीने का, तो आज मैं बना रही हूँ मठरी और गुजिया। तो यहाँ मैं मठरी की मैंने मैदा लगा ली और उसमें मैंने मैदा में मोइन डाला था और अजवाइन हाथों से क्रश करके, कस्तूरी मेथी, नमक ये सब डाल के, और यहाँ मैंने मठरियाँ सेकना स्टार्ट कर दी हैं सिम गैस पे। मठरी सेक लूँगी और उसके बाद फिर देखती हूँ गुजिया भी बनाऊँगी। तो यहाँ बस मैं काम में लग गई थी, सारा काम सुबह, सब मशीन भी लगाई थी मैंने आज, तो गैस आज मैंने फिर नीचे रख ली है। इससे क्या है, आराम से बैठे बैठे बनाते रहो और सेकते रहो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। तो बस यहाँ इसी तरीके से मैंने सारी मठरियाँ बना ली थी। उसके बाद मैं ना गौतम खोआ ले आया था, तो मैंने खोए को थोड़ा भूना था, वैसे तो खोआ भुना हुआ था, फिर भी मैंने सोचा थोड़ा और थोड़ा सा भून लेती हूँ। तो यहाँ मैंने खोए को भी अच्छे से भून लूँगी। तो यहाँ देखिए मैंने मठरी सारी बन के तैयार हो गई थी, तो ठंडी हो रही है। जब तक फिर हमने चाय वगैरह पी ली थी और खाना मैंने तैयार कर दिया था। उसके बाद फिर रात में ये भी आ गए थे, तो सबने खाना पीना खा लिया। उसके बाद हमने फिर गुजिया बनाई। तो यहाँ बस मैं और ये दोनों मिलके हम लोग गुजिया बना लेंगे। तो बस यहाँ गुजिया बन रही है। बैठ के गुजिया बना रहे हैं सब लोग, तो मोंटू भी मेरे संग में शामिल हो गया था और मोंटू के पापा भी। तो मैं यहाँ बेल रही हूँ, मोंटू लोइया बना रहा है, ये गुजियों को भर रहे हैं। ऐसे करते हैं ना तो गुजिया सब लोग मिलके बना लेते हैं तो पता भी नहीं चलता है कब गुजिया बन गई। तो बस इसी तरीके से हमने सारी गुजियाँ बना ली थी। रात के करीब 10:30 का टाइम है ये, तो ये बोले अकेले कहाँ तक लगी रहोगी, लाओ हम करवा लेते हैं। तो बस यहाँ हम लोग सब खाना पीना खा के फिर गुजिया बनाने बैठ गए थे। तो बस इसी तरीके से सारी गुजियाओं को हम बना लेंगे। सुबह का टाइम है और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सुबह सुबह का टाइम है तो यहाँ सारा काम हो चुका है और पूजा कर ली मैंने। तो यहाँ मैंने अपने कान्हा जी के, सारे भगवान जी के गुलाल लगा दिया है। और इसके बाद पूजा करने के बाद आज हम लोग होली वगैरह तो कुछ नहीं खेलेंगे, क्योंकि हमें जाना है अपनी जेठानी के यहाँ पर। तो बस मैंने जल्दी जल्दी सारा काम कर लिया है, पूजा कर ली है।